भट्टी थाना पुलिस ने बीते 25 सितंबर को सेक्टर 3 ओवरब्रिज में गंभीर मारपीट की वारदात को अंजाम देकर फरार हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से बचने आरोपी इधर उधर पुलिस से छिपते फिर रहे थे। पुलिस ने इन्हें वैशाली नगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। बीते 25 सितंबर को रात्रि लगभग 1:30 बजे प्रार्थी सौरभ चंद्राकर के मोबाइल में सारा नाम की युवती का मैसेज आया था, जिसमें युवती ने मदद की गुहार लगाते हुए प्रार्थी को सेक्टर 3 ओवरब्रिज में बुलाया था। प्रार्थी के ओवरब्रिज पहुंचते ही युवती के साथ पूर्व से मौजूद युवकों ने सौरभ चंद्राकर पर चाकू व बियर की बोतलों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया और सभी मौके से फरार हो गए। भट्टी थाना पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर अभियान चलाया और वैशाली नगर क्षेत्र से आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरे मामले की जानकारी भट्टी थाना प्रभारी के कुशवाहा ने दी। ये 25 तारीख की रात्रि को 1:30 बजे के आसपास सेक्टर 3 ओवरब्रिज के पास जो है सारा नाम के व्यक्ति ने सौरभ चंद्राकर को मैसेज किया था कि मेरी मदद करो करके। तो सौरभ चंद्राकर अपने दोस्त के साथ ओवरब्रिज में आया था, जहां पर लड़की के साथ अन्य 4 लोग वहां पर बैठे हुए थे। लड़के के साथ बातचीत के दौरान इसका जो है सौरभ चंद्राकर का वाद विवाद हो गया था, जिस नाम से विशाल सिंह एवं नितिन सिंह ने चाकू से एवं बियर की बॉटल से उस पर सिर पे वार कर दिया था, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गया था। जिसे पता चलने पर तत्काल जो है मौके की घटना तुरंत पश्चात 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें 2 बालिक एवं नाबालिग था एवं 2 मुख्य आरोपी फरार थे, जिसे हमारी मुखबिर के द्वारा लगातार टीम गठित कर आरोपी पतासाजी की जा रही थी, जिसमें इन लोग रायपुर और दुर्ग में लुक छुप रहे थे, जिसे समय मिलने पर जो है वैशाली नगर थाना क्षेत्र से उसको गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। बहरहाल असामाजिक गतिविधियों में संलग्न अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर भट्टी थाना पुलिस का अभियान जारी है, जिससे थाना क्षेत्र के असामाजिक तत्वों में हड़कंप मचा हुआ है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।